आ जाओ भाई, काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन पे चर्चा शुरू होगी आज। मैं तुम्हें चैंपियन बनाऊंगा, बस मेरे साथ बोर्ड पे रहना है सबको, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन है, काई स्क्वायर टी और एफ की बात होगी आज। पहले सिर्फ काई स्क्वायर भी ढंग से हो गया आज तो मजा आ जाएगा मेरे बच्चों तुम्हें, ठीक? ये बेसिक नॉलेज है पहले तो, ठीक है? काई स्क्वायर पहला काम क्या करता था, ये काई स्क्वायर पहला काम करता था टू फाइंड क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी, राइट ना? क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी फॉर विच डिस्ट्रीब्यूशन? फॉर गामा डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? कैसे? बोला सर वो रिश्ता कौन सा है जिसे क्यूमुलेटिव, इफ एक्स फॉलोज गामा विद पैरामीटर अल्फा एंड देन टू लैम्डा एक्स फॉलोज टू अल्फा। ये रिश्ता पता है ना सबको? गुड। यहां पर एक रिश्ता और है बेटा, पहले मुझे एक सेकंड बोर्ड पे देखो सारे बेटा। व्हाट इज द इफ इफ एक्स फॉलोज, वेट हियर गाइस, एक्स फॉलोज काई स्क्वायर विद एन माइनस डिग्री ऑफ फ्रीडम, व्हाट डज इट मीन? अरे एन माइनस वन, व्हाट इज द वेरियंस? राइट। व्हाट इज द एम एक्स टी? इट इज वन माइनस टू टी की पावर माइनस हाफ इंटू एन माइनस वन, है कि नहीं? अरे बोलो भाई, व्हाट इज द मॉड? डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस वन ना, टू, तो एन माइनस थ्री आएगा ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस टू इज द मॉड। तो ये n माइनस वन के हिसाब से लिखा है मैंने सारा कुछ। अरे क्लियर है? ओके अब मैं फिर से याद दिला रहा था बस एक बार, अगर x फॉलो करेगा काई स्क्वायर 10 को तो व्हाट इज द मीन? 10 वेरियंस 20, करेक्ट। एम एक्स टी वन माइनस टू टी की पावर, अरे माइनस वन बाय टू इंटू 10 ना, माइनस फाइव ना। What is the mod? Degree of freedom minus 2. अरे यही होगा ना 8. Now very very important. Now very very important. If x follows chi square with 2 degree of freedom, what does it mean? 2. Okay. Variance 4. Okay. Mxt की पावर, what is the mod? No mod ना, डज नॉट एग्जिस्ट करेगा वो। अब ये काई स्क्वायर टू जो है विल बी सेम एज द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो व्हाट इज द एक्सपोनेंशियल, अगर लैम्डा हाफ है तो लैम्डा हाफ है, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल? टू, वेरियंस 4, अरे लैम्डा, व्हाट इज द मीन ऑफ एक्सपोनेंशियल? 1 बाय लैम्डा ना, वेरियंस 1 बाय लैम्डा स्क्वायर। व्हाट इज एम एक्स टी? लैम्डा अपॉन लैम्डा, क्या मैं इसको 1 माइनस टू टी का इनवर्स बोल सकता हूं? एंड दिस हैज नो मोड ना। तो जब जब धरती पर काई स्क्वायर टू की बात होगी तो काई स्क्वायर की सारी, काई स्क्वायर टू डिग्री फ्रीडम की बात होगी, उसकी सारी प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करेगा? क्या एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू काई स्क्वायर टू, राइट? अरे समझ में आया क्या? अच्छा काई स्क्वायर टू को एक्सपोनेंशियल बोल सकते हैं, बोर्ड पे प्लीज सारे बच्चे बोर्ड पे। मैंने बोला काई स्क्वायर विद टू डिग्री फ्रीडम विल बी सेम एज एक्सपोनेंशियल लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? हाफ, विल बी सेम एज गामा क्या? अल्फा वन एंड लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज ऑल्सो एक्सपोनेंशियल ना। अरे बोलो भाई, वो भी तो क्या होता है बेटा, तो प्लीज। अच्छा अब व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर टू, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ काई स्क्वायर टू? कभी पूछ लो, मान लो मैं आपसे, तो बताओ क्या होता है पीडीएफ काई स्क्वायर टू का? अरे एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ लिखना नहीं आता क्या? काई स्क्वायर टू इज सेम एज व्हाट?
एक्सपोनेंशियल तो काई स्क्वायर टू का पीडीएफ मांगा, तो पीडीएफ किसका लिखोगे? एक्सपोनेंशियल ऑफ कोर्स। इधर देखो, व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ गामा? क्या होता है? लैम्डा की पार अल्फा गामा एक्स की पार ई की पार माइनस। ओके, काई स्क्वायर टू मींस गामा क्या, अल्फा क्या रखेंगे, लैम्डा क्या रखोगे, तो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा, देखना अपने आप ही। अरे बन जाएगा। तो बेटा याद करना स्मार्ट वर्क, कि जब भी काई स्क्वायर टू आ जाए तो वो सारी प्रॉब्लम किससे सॉल्व कर लेंगे हम लोग? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व। और काई स्क्वायर टू से ज्यादा है तो कहीं और जाएंगे, फिर कुछ और करेंगे, राइट? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो काई स्क्वायर टू का पीडीएफ भी पता है कि नहीं पता हमारे को? विच इज सेम एज वॉट, रख के देख लो इस फॉर्मूले में। इस फॉर्मूले में क्या रखते थे आप? अल्फा को न्यू बाय टू करते थे और लैम्डा को, ये करने से एक्स किसको फॉलो करता था? काई स्क्वायर विद व्हाट डिग्री फ्रीडम? यही थी ना बात हमारी? तो ये वो बात है जो मैं डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर में बता चुका हूं। ये बात मैं कहां बता चुका हूं? डिस्ट्रीब्यूशन में। दोबारा दोहराइए सिर्फ।